कल भी जम्मू दे विच एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर जिहड़ा है जिहनूं बावा ट्रैवल दे नाम ते जाणिया सोमदास जी साडे वड्डे भरा बहुत ही एक्टिव साथी और साडे ब्लाक दे वाइस प्रेसिडेंट विजयपुर ब्लाक दे और साबका लवली बगोल जी साडे पहला बिग डी प्रेजेंट प्रियंका जी ये साडे शाह जी जूते साडे दे विच मेरे साथी है बड़े विशाल के ने कुछ गल्लां कीतियां ने सब तो नींद हुई है लगता नहीं कि कोई सीट एक अद्धी कोई स्टेट भी थोग इतना सफाया हुई है उत्थे इहदा असर जिन्हों लोग एक बार आजमान लोग एक बार देखें और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो ऐलानात किए ने जो वादे किए ने लोगों के नाल एक तो होंगे पार्टी कोई वादा करती है जिले इलैक्शन आती है वो 15 दिन पहला वादे करती है असी ये करा ये करा ये करा वो सिर्फ वोट लैन तक होंगे एक होंगे कि पार्टी ने साल पहला ही ऐलान करना शुरू कर दिता है कि जो भी साड़ी सरकार बनेगी असी ये चीज़ा करा जिसे 500 यूनिट बिजली फ्री की गल की जिद गरीब आदमी को साल से 4 सिलेंडर फ्री भरा के देने की गल की जिद गरीब आदमी की पेंशन जी अज 1000 मिलती है उन्होंने बढ़ा के 5000 करने की गल की इस तरह बच्चियों की शादी 50,000 तो 1,00,000 रुपया मदद करने की गल की ये सारिया जड़िया चीज़ा ने ये पार्टी ने सोच समझ के ये वर्क करके ये ऐलान किया इस तरह पार्टी ये भी कह रही है कि जिस तरह ये गरीब आदमी के इलाज वास्ते अज केंद्र सरकार 5,00,000 रुपया देती है अपनी पार्टी का वादा है कि जो साड़ी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर की सरकार इतने के रहने वाले नागरिकों को 5,00,000 रुपया होगी मतलब 10,00,000 रुपया चलेगा गरीब आदमी का इलाज जोड़ा है वह सरकार कराएगी मुलाजम जोड़े इसलिए गौरमेंट सर्विस कर रहे हैं तो 2008 के बाद जोड़े मुलाजम लगे ने उन्होंने पेंशन नहीं मिली चार के बाद उन्होंने पेंशन जी है वो सरकार ने बंद कर दी गई लेकिन अपनी पार्टी का वादा है कि जो साड़ी सरकार बनेगी उन्होंने जी है ओल्ड एज पेंशन जी जी पुरानी पेंशन है वह बंद की जाएगी। देखिए आज यहाँ मीटिंग में सभी साथियों ने अपनी जो परेशानी आ रही है उनके बारे में विचार रखा खासतौर पे जो बिजली का क्राइसिस है बिजली जो है तकरीबन पूरा पूरा दिन बंद रहती है गर्मियों में तो बंद रहती थी लेकिन अब सर्दियों के में भी ये बिजली जो है बंद हो रही है सुबह बच्चों ने पढ़ना होता है बिजली बंद रहती है बच्चों ने तैयार होना होता है स्कूल जाने के लिए तो एक तो बिजली का बारे में साथियों ने बताया है दूसरा एक बात साथियों ने यहाँ बात की है कि पूरे देश भर में इलेक्शनें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कराई जा रही और यहाँ तक कि यहाँ की म्यूनसिपैलिटियों और पंचायतों का भी चुनाव टाल दिया गया यहाँ के जो नुमाइंदे हैं अब म्यूनसिपैलिटियों की पावरें भी इन्होंने DCs को दे दी इसी तरह पंचायतों को भी आगे दे देंगे तो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अपना काम लेके जाएँ किसके पास समझ ही नहीं आ रही लोगों को तो उसके बारे में आज यहाँ पे लोगों ने बात की है कि कम जब पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं तो क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस बात की सज़ा दी जा रही है क्यों यहाँ चुनाव टाले जा रहे हैं कहते तो हैं हम तैयार हैं हम तैयार हैं जब भी इलेक्शन कमीशन कराएगा तो इलेक्शन कमीशन जवाब देना कि वो क्यों नहीं करवा रहा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिले इलेक्शन कमीशन क्यों चुप्पी साधे बैठा हुआ है क्यों वो गूंगा और बहरा होके बैठा है कि जब कह रहे हैं कि हालात भी बहुत अच्छे हैं और है भी अच्छे हैं पहले से तो बहुत बेहतर हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे क्यों टाले जा रहे हैं जब पूरे देश में चुनाव हुए हैं तो जम्मू कश्मीर में तो पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हो गया 14 में हुए थे अब 24 लगने वाला है तो डेमोक्रेसी का यहाँ कत्ल हो रहा है इसके बारे में आज साथियों ने यहाँ ज़ोरदार तरीके से बातें की और दूसरा साथियों ने जो पार्टी की मजबूती हो रही है जिस तरीके से यहाँ जो जनाधार बढ़ रहा है अच्छे अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो उसके बारे में पार्टी की जो आउटरीच है पार्टी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताया जो कुछ पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया और मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।